बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नासरीन। आज पीर 23 मई और मंगल 24 मई यानी आने वाले 48 घंटों के दौरान प्री मानसून हवाओं के इंतहाई ताकतवर सिलसिले के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खतरनाक आंधियाँ चलने और शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल मौजूद, आंधियाँ चलने का सिलसिला जारी, जबकि सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई और वस्ती इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली इलाकों में भी शदीद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का कहीं कहीं सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आने वाले दो दिन ज्यादा शिद्दत के साथ जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज पीर 23 मई और मंगल 24 मई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में और मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के भी ज्यादातर जिला में, जबकि साहिवाल डिवीजन, मियाँ चन्नू, लिया, बक्कर, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में भी सिर्फ कहीं कहीं चंद मकामात पर गरज चमक और शदीद 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तूफान के साथ बारिश, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। बाज़ इलाकों में बारिश की कुल मकदार 100 से 200 मिलीमीटर तक भी पहुँच सकती है। शदीद मौसमी हालात, ओले पड़ने, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने, आसमानी बिजलियाँ गिरने और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी मौजूद है। इसी दौरान कराची में भी समंदरी बादलों से हल्की बारिश होने, जबकि जनूबी पंजाब, कराची में सुबह सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्दलुद हवाएं और आंधी चलने की तवक्को। तहम मुल्क के बेशतर जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। अलबत्ता आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी की लहर खत्म हो जाएगी।